गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज आकाश कुमार गुप्ता। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, ठीक है, अगर हमें फार्मेसी की शॉप खोलनी है तो कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स हमें ज़रूरत है, कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, और बाकी जो भी अदर चीज़ें हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था अबाउट द सिलेक्शन ऑफ साइट, अबाउट द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, जिसमें मैंने दोनों होलसेल और रिटेल के लेआउट्स के बारे में बता दिया था। कल हमने जो पढ़ा अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर होलसेल, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेल, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले कोई भी न्यू रिटेल शॉप खोलने से पहले हमें जो एरिया रहता है वो निर्धारित करना कर लेना रहता है, ठीक है, कि कितने बाई कितने का एरिया होना चाहिए। रिटेल के लिए एरिया कितना होना चाहिए, तो मिनिमम जो एरिया इसका होना चाहिए कम से कम 120 स्क्वायर फीट फॉर द रिटेल शॉप, ठीक है। और अगर यही बात हम होलसेल की करते हैं, होलसेल का हालांकि कल मैंने बता दिया था लेकिन ये चीज रह गई थी, तो मैं आज बता देता हूं कि होलसेल के लिए जो एरिया रहता है वो होता है 165 स्क्वायर फीट, ठीक है, 165 स्क्वायर फीट। अगर स्क्वायर मीटर में इसकी बात की जाए तो ये आएगा 10 स्क्वायर मीटर, ठीक, और ये भी करीब आ जाएगा 15 के आसपास, 15 स्क्वायर मीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 15 स्क्वायर मीटर के आसपास आएगा। और जो इसका स्क्वायर मीटर आएगा रिटेल शॉप का वो आएगा 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है। रैक्स की बात कर ली जाए तो सफिशियंट रैक्स होने चाहिए रिटेल शॉप पे, ठीक है, जिसपे आप दवा रख सकें और साथ में डिस्प्ले कर सकें। टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, अभी ये जरूरी चीजें बता रहे हैं जो वहां पे जरूरी है, जैसे कई दवाएं जो हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखाती हैं, ठीक है, कुछ इससे ऊपर 8 से 22 डिग्री पे रखाती हैं, कुछ रूम टेम्परेचर पे रखाती हैं, तो ये एरिया हर दवा के लिए मेंटेन होना चाहिए, इसके लिए रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, इसके लिए एयर कंडीशनर होना चाहिए और रूम टेम्परेचर, तो भाई ठीक है, तो हमें इन दो बातों का ख्याल रखना है कि रैक्स प्रॉपर होने चाहिए जिसपे हम दवा को डिस्प्ले करके आराम से निकालने में भी हमें कोई दिक्कत ना हो, सबके लिए अलग अलग खाने हो सारे ड्रग्स के लिए, ठीक है, जैसे कि अगर हर्ट की दवाएं हैं तो हम उन्हें अलग अलग रख सकते हैं, बाकी किसी और चीज़ के लिए दवाएं हैं, फीवर के लिए है, कुछ है नॉर्मल जो दवाएं हैं वो अलग रख सकते हैं, तो क्या वो हम उसको क्लासीफाई आराम से कर सकें, ठीक है, हम उसको आराम से क्लासीफाई कर सकें। नेक्स्ट आते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसको भरने के लिए,
सबसे पहले तो हमें भरना पड़ता है फॉर्म 19 फॉर्म 20, ठीक है, फॉर द रिटेल शॉप। जो कि किसके थ्रू है, डी एंड सी रूल्स 1945 के तहत। इसकी भी फीस देनी पड़ती है, फीस है आपकी 1500 से 3000 रुपए तक, ठीक। सबसे पहले हमें फॉर्म भरना पड़ता है फॉर्म 19 और फॉर्म 20, और उसके बाद फीस लगती है कितनी, 1500 से लेके 3000 रुपए तक। फिर इसके बाद जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, या और उससे ऊपर जो भी हायर डिग्री होगी वो भी चल जाएगी। ठीक है, और किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें जो फार्मासिस्ट है उसके एफिडेविट की, ठीक है। इसको हम प्रॉपरली एक बार पूरा समझा देते हैं, एक जगह लिख के, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्म 19 एंड फॉर्म 20, सारा रिटेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कि स्टेट काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, स्टेट काउंसिल, ठीक है। इसके बाद जो फार्मासिस्ट रहेगा वो क्या होना चाहिए, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी। नेक्स्ट, इसके अलावा अब डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेंगे, ये तो एक चीज हो गई कि हाँ ये चीजें हमें करनी है, ठीक है, ये भी एक तरह से डॉक्यूमेंट्स में ही आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो जो पर्सन रहेगा, ठीक है, उसका हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स, ठीक है, उसके अलावा जो उसकी डिग्री है, डिग्री, ये सबकी कॉपी लगेगी, मतलब कि ओरिजिनल तो DI देखेगा ही देखेगा, लेकिन इसकी सबकी कॉपी लगती है, डिग्री एंड देयर ग्रेजुएशन मार्कशीट्स, ठीक है, इनकी भी कॉपी लगेगी। नेक्स्ट, फोटो ऑफ द शॉप ब्लूप्रिंट ऑफ द शॉप, वो भी जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्या होता है, मोहर मारा गया रहता है किसका, जो इंजीनियर रहता है चाहे जो आर्किटेक्ट रहता है उसके द्वारा, ठीक है, मतलब अप्रूव्ड रहता है, अप्रूव्ड बाय आर्किटेक्ट, ठीक है।
और भी क्या चीजें रहती हैं, एफिडेविट किसका, जो क्वालिफाइड पर्सन है, दूसरा नॉन जुडिशियल एफिडेविट रहता है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे लिया गया एफिडेविट रहता है, ये किसके द्वारा रहता है, जो प्रॉपराइटर है या फिर पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड में, जब किसी पार्टनर के साथ हम कोई शॉप खोल रहे हैं उस कंडीशन में भी ये एफिड नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे बनता है, ठीक है, या फिर जो प्रोपराइटर रहता है अदर देन क्वालिफाइड पर्सन उसके केस में भी ये एफिडेविट बनता है। फॉर्म 19, फॉर्म 20, मिनिमम क्वालिफिकेशन, चलो हाई स्कूल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, डिग्री एंड ग्रेजुएशन, हाँ पीसीआई के द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, उसकी भी कॉपी लगती है और साथ में एक ग्रीन बुक मिलता है उसकी कॉपी लगेगी, ठीक है, पीसीआई द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसकी कॉपी, साथ में ग्रीन बुक की कॉपी, इसके अलावा जो पर्सन रहेगा उसका फोटो, ठीक है, जो भी मालिक रहेगा प्रोपराइटर रहेगा उस दुकान का उसका फोटो लगेगा, उसके अलावा फोटो के अलावा आधार कार्ड, एंड पैन कार्ड, ठीक है, इसकी भी कॉपी लगाई जाएगी उसमें, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं जो उसमें मोस्टली लगाई जाती हैं, ठीक है। चलो जो शॉप की फोटो लगाई जाती है वो क्या होता है, वो उसमें वो पर्सन जो रहता है जो भी उस दुकान का मालिक है प्रोपराइटर है वो साथ मतलब कि दुकान के सामने खड़ा होके तब फोटो खिंचवाता है, ठीक है, और वही जो भी साइट है हमारा उस पर अपलोड करना रहता है। होलसेल का हमने बता दिया आपको, रिन्यूअल भी जान लीजिए, रिन्यूअल के केस में क्या होता है कि सब कुछ सेम रहता है, बस हमें पुराने डॉक्यूमेंट्स जब हमारा रजिस्टर हुआ था वो सारे जमा करने रहते हैं, ठीक है, उसके अलावा फिर से फॉर्म 19 और फॉर्म 20 भी भरना रहता है, और रिन्यूअल अगर समय पर नहीं कराते हैं तो इसका जो लेट फीस है वो ₹500, ठीक है,
पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ है ये। अब देखिए कौन कौन से ऐसे शेड्यूल के ड्रग हैं जिनके लिए हमें अलग से लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया जो नॉर्मल हम जो दवाएं हैं वो अपने यहाँ रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शेड्यूल के ड्रग्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो कौन कौन से ऐसे शेड्यूल के ड्रग हैं उनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। इसके लिए कौन सा हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म नंबर 21 एंड नंबर 21B। इसके लिए हम भरते हैं, सॉरी, फॉर्म नंबर 20 एंड 20B, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं परचेजिंग पे, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो हमें क्या करनी पड़ती हैं साइट पे, जो साइट है यूपी एफडीए की साइट है, जैसे यूपी में क्या है यूपी एफडीए की साइट चलती है यहाँ पे ड्रग लाइसेंस लेने के लिए। तो अगर हमें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो हमें ऑनलाइन जाके जो भी डिटेल्स हैं, जो भी वो अप्लाई करने का तरीका है, सबसे पहले हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाने के बाद अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, ठीक है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन आता है, टेक्निकल पर्सन रजिस्ट्रेशन आता है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन में जो पर्सन है, मतलब कि जो दुकान का मालिक है, ठीक है, वो उसे भरता है। टेक्निकल पर्सन मतलब जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो फार्मासिस्ट है वो उसे भरता है। तो फॉर्म वाला जो भरता है उसमें उसे अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ती है, अपना हाउस, ठीक है, घर का एड्रेस, नाम, पता, माँ बाप का नाम,
माता का नाम, ठीक है, उसके अलावा जो दुकान के बारे में सारी जानकारी देनी पड़ती है कि दुकान कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, अगल बगल कौन सी दुकानें हैं, अगल बगल कैसा वो है, ठीक है, किस लोकेशन पे है, जो रेफ्रिजरेटर है कि नहीं है, ठीक है, एसी है कि नहीं है, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें जानकारी देनी पड़ती हैं। जो दीवार है वो पक्का है कि नहीं है, जो ज़मीन है वो पक्का है कि नहीं है, ये सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। और क्या होता है, उसमें हम सारी अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें अपलोड करते हैं और ऑनलाइन ही अप्लाई कर देते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद वो चीज़ें DLA के पास जाती है, DLA DI को सपोर्ट करता है, फिर DI जो है आके इंस्पेक्शन करता है और इंस्पेक्शन करने के बाद आपको अप्रूवल पूरी तरह से दे देता है, ठीक है, चाहे ये दोनों कंडीशन में है, होलसेल का हो चाहे रिटेल का हो। होलसेल में मैंने बताया था कि जो पर्सन है उसको कम से कम 4 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में, किसी केमिस्ट शॉप पे वो काम कर चुका हो चाहे, ठीक है, उसको 4 साल का एक्सपीरियंस मोस्टली होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ परचेजिंग पे। परचेजिंग क्यों ज़रूरी है भाई, अगर हम दुकान में सामान रख रहे हैं तो परचेजिंग तो करेंगे ना, तभी तो सामान रखेंगे, तभी तो सामान बिकेगा। लेकिन क्या हम बस जाते हैं और परचेजिंग करके चले जाते हैं, हमें क्या देखना रहता परचेजिंग में? अगर हम परचेजिंग करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें जो सामान है वो सही कीमत पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना हमें उसमें फ़ायदा है, ठीक है, मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट पे वो जो होलसेलर है हमें दे रहा है, उससे हमें कितना मुनाफा है। अगर हम उस सामान को बेचते हैं और ग्राहक को डिस्काउंट देते हैं तो हमें उस पर फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही है प्रॉफिट। तो अगर हम किसी भी होलसेलर से कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो हमें पूरा हक है कि हम उससे पूछ सकते हैं कि हाँ भैया, अगर 20 रुपये का सामान है तो अगर हमें वो 15 रुपये में दे रहा है तो हमें क्या होगा, 5 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर हम यही सामान 18 रुपये में भी दे देते हैं ग्राहक को, तब भी हमें कितने रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, 3 रुपये का फ़ायदा ही हो रहा है। तो ऐसा ना हो पता चले हम 15 का उससे खरीद के ले आएँ और 16 का हम बेच रहे हैं, और अगर ग्राहक को हम 15 में दे दें तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 0 का, ठीक है, तो इस पे बिजनेस नहीं चल पाता है, ठीक है, हम बिजनेस हमेशा इस पे चलता है। अब देख लेते हैं कि परचेजिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें परचेजिंग पे इतना ध्यान देना चाहिए। इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट करने का हमें तरीका पता चल जाता है, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए दो चीजें होती हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, और साथ में दोनों को जो जोड़ता है वो है प्राइस। मतलब एक तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी कितनी हमें रखनी है जो कि बिक जाए, और उसका प्राइस क्या है, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी अच्छी हो तो क्या होगा, हमारे ग्राहक बन जाएंगे, मतलब ग्राहक उस दुकान पे आना शुरू कर देगा। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और क्वालिटी अच्छी हो लेकिन प्राइस बहुत हाई हो, तो भी कई बार क्या होता है, ग्राहक वो सामान नहीं परचेज कर पाता है। तो जो प्राइस है वो भी वाजिद होना चाहिए, मतलब कि सही होना चाहिए, और क्वालिटी भी जो उस सामान की है वो भी प्रॉपर अच्छा, मतलब कि 100% इफ़िशियंट होना चाहिए। ग्राहक एक बार अगर दवा आपके यहाँ से ले जाए तो बस आपके ही दुकान पर अगली बार से आए। नेक्स्ट, अ प्रॉपर परचेज ऑफ मटेरियल्स एंड मर्चेंडाइज एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एनी बिजनेस।
मैन्युफैक्चरर, होलसेल और रिटेल ट्रेड, ठीक है। दूसरा क्या वो है, प्रॉपर परचेज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर परचेज ऑफ मटेरियल, और दूसरा क्या है, सॉरी तीसरा क्या है, कंट्रोल ऑफ स्टॉक। अभी मैंने जैसे बताया था क्वांटिटी के बारे में, तो वो इसी को दर्शा रहा है, ठीक है। क्वांटिटी किसको दर्शा रहा है, कंट्रोल ऑफ स्टॉक को। प्रॉपर परचेज ऑफ मटेरियल मतलब कि जो क्वालिटी को दर्शा रहा है, ठीक है, मतलब ये क्वालिटी सही होनी चाहिए। चलिए, इन ट्रेडिंग बिजनेस मर्चेंडाइज परचेज मस्ट बी ऑफ प्रॉपर क्वालिटी एंड एट एन अप्रोप्रिएट प्राइस इन प्रॉपर क्वांटिटीज एंड एट प्रॉपर टाइम। अच्छा देखिए, एक क्वालिटी की बात हो गई, क्वांटिटी की बात हो गई, ठीक है, फिर बात हो गई प्राइस की, मतलब कि प्रॉपर प्राइस भी होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर प्राइस भी होना। और जो पांचवा चीज है, ऑन टाइम, ठीक है, मतलब कि अगर हम पता चले कि कोई सामान किसी ट्रेडर से मंगवाया है हमने, और वो सामान हमें चाहिए कल तक, और वो हमें सामान पहुंचा रहा है दो दिन तीन दिन बाद, तो क्या होगा, हम ग्राहक जब आएगा तो हम उसको वो सामान समय पर नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वो ग्राहक टूट जाएगा और ग्राहक फिर दूसरे शॉप पे चला जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि वो आपके यहाँ आएगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में कहेगा कि इनके यहाँ तो कभी समय पर चीज़ मिलती ही नहीं, तो प्रॉपर टाइम पर वो मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं फॉर द परचेजिंग। ये एक वेन डायग्राम के थ्रू हम समझ लेंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सही राइट सोर्स, ठीक है, सही जगह से हम सामान ले आ रहे हैं। मान लीजिए हम दवा की बात छोड़ देते हैं, अगर राशन में ही हम कोई बात कर लें, अगर हम राशन गलत जगह से ले आ रहे हैं, खराब सामान ले आ रहे हैं और सामान खराब दे रहे हैं किसी भी कंज्यूमर को, तो क्या होगा, हमारा रेपुटेशन खराब होगा, तो रेपुटेशन नहीं खराब होने देना, ठीक है, इसलिए अच्छे सोर्स से ले आइए, सही जगह से ले आइए। क्वालिटी, क्वालिटी हमेशा सही होनी चाहिए, जो भी माल आप लेके आ रहे हैं, जो भी सामान लेके आ रहे हैं, सही सोर्स से लेके आ रहे हैं, तो आपको सामान भी सही मिलेगा, ठीक है। क्वांटिटी, क्वांटिटी आपको डिटरमाइन होनी चाहिए कि आप कितना सामान लेके आएंगे, जितना में वो खपत हो सके, ठीक है, जितना में वो तुरंत बिक जाए सामान। ऐसा नहीं करना है कि भाई हमें चाहिए 10 किलो और हम लेके आ गए 60 किलो, ठीक है, 50 किलो हमारा क्या है, ब्लॉक हो जाएगा,
ठीक है, ये हमारा 50 किलो ब्लॉक हो जाए। ऐसा नहीं करना है, बिजनेस ऐसा नहीं होता है। बिजनेस सही, बिजनेस में काफी दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ कितना इलास्टिसिटी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इतना मंगाए तो इतना सामान बिक जाए तो हम फिर नया सामान ले आए। ऐसा ना हो कि वो सामान हम मंगा के रख लें, भले बिके कुछ साल बाद बिके, लेकिन सामान एक्सपायर भी तो होता है, तो एक्सपायरी हमें नहीं होने देना है और जितना उतना ही ले आए जितना वो बिक सके सामान। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राइट प्राइस। प्राइस भी सही होना चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, हर तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, मध्यम वर्ग के भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो सबके लिए मान लीजिए कि भाई अब हर किसी के पास इतना पैसा नहीं ना है कि खर्च कर सके, इसलिए गरीब के लिए भी क्या है, अगर हम कोई दवा आ रही है 10 रुपए में, ठीक है, वही दवा सेम दवा आ रही है 30 रुपए में, वही दवा आ रही है 50 रुपए में, ठीक है, तो जो रिच पर्सन रहेगा, ठीक है, जो ब्रांडेड दवाएं हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो ये परचेज करेगा। ठीक है, जो मीडियम वर्ग का है वो ये परचेज करेगा, और जो गरीब है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, वो ये परचेज। हालांकि तीनों ड्रग सेम है, तीनों में ड्रग सेम हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि ब्रांड्स के फर्क होते हैं। जैसे कि ये ब्रांड जो काफी अच्छे ब्रांड का दवा होता है, ठीक है, कुछ जो होते हैं जेनरिक्स होते हैं, जेनरिक आइटम्स होते हैं, ठीक है, और कुछ काफी लो उसके होते हैं, बहुत अच्छी कंपनियों के दवा नहीं होते हैं कह लीजिए, तो उनकी दवाइयां जो होती हैं वो सस्ती होती हैं, हालांकि काम वो भी करती हैं लेकिन थोड़ा सा लेस इफिशियंट होती हैं ब्रांडेड से। ठीक है, मान लीजिए कि ब्रांडेड अगर 100% काम कर रहा है तो वो मोस्टली हो सकता है कि 95 से 90% तक काम करे, लेकिन काम वो भी करेगा। ठीक है, काम ये भी करेगा, लेकिन क्या है कि अब भाई जब जितना पैसा बढ़ेगा उतना क्वालिटी अच्छी होगी ही होगी। अब आते हैं राइट टाइम। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि राइट टाइम, अगर सही समय पर सामान नहीं मिलेगा तो ग्राहक आपके बिल्कुल बन नहीं पाएंगे, तो ये चीज जरूरी है। राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी, सामान सही जगह पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्रेडर हैं, आपको कहीं सामान, आप होलसेलर हैं, आपको सामान कहीं पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे, उसका पूरा एड्रेस लेके उसके समय पे आप उस सामान को पहुंचाओगे। ठीक है, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी भी राइट होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी राइट होना चाहिए। जैसे कि बाहर से अगर सामान आ रहा है तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहता है, मतलब कि जिससे भी आप भेज रहे हैं, वो आपका निर्धारित होना चाहिए, और जो सामान सही समय पे पहुंचा सके। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेजिंग। नॉट ओनली टू प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल्स एट द लोएस्ट प्राइस बट ऑल्सो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो इसलिए ताकि जो रॉ मटेरियल है वो हम लोएस्ट प्राइस पे खरीद सके, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। और दूसरा क्या चीज है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम रॉ मटेरियल को कम प्राइस पे खरीदेंगे तो हम उसको बेच भी कम दाम पे सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करवा सकते हैं, मतलब कि अगर हम कम दाम पे खरीदेंगे तो कम दाम पे बेचेंगे भी, तो मार्केट में क्या होगा, जो भी कॉम्पिटिटर्स हमारे रहेंगे उनसे हम कॉम्पिटिट कर सकते हैं आराम से। चलिए अब देखते हैं कि ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, क्यों हमें करना है। अब हम बात करते हैं कि क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए परचेजिंग के समय।
सबसे पहला है बाई इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करके, ठीक है। इसके क्या क्या वो हैं, एक्सप्लेनेशन क्या क्या है? सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। इसमें इसका क्या है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है इंस्पेक्शन के द्वारा, और क्या इसमें क्या करते हैं, क्वालिटी और प्राइस के रिगार्डिंग हम जो गुड है, जो सामान है, उसको जज करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन करके। भाई अगर किसी के यहाँ जाओगे कोई सामान लेने, ठीक है, अगर आटा लेने जा रहे हो, चावल लेने जा रहे हो, तो छू के देखोगे कि नहीं उसको भी कैसा है, चावल देखोगे ना, टूटा हुआ तो नहीं है, खड़ा चावल है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, इंस्पेक्शन, मतलब कि आप देख के सामान खरीद रहे हो, किसी भी चीज को इंस्पेक्ट करके। नेक्स्ट है बाई सैंपल, सेकंड क्या आएगा, बाई सैंपल, ये एक तरह से वेरी कॉमन मेथड है। द सैंपल ऑफ गुड्स इज सप्लाई बाय सप्लायर फॉर इट्स अप्रूवल फ्रॉम द बायर, ठीक है। सैंपल भेजा जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई सामान किसी होलसेलर से मंगाना है, तो आप क्या करोगे, उसके यहाँ से कह दोगे कि भैया हमको थोड़ा सा सैंपल दे दो, हमारे दुकान पे पहुँचा दो, अगर हमें ये सैंपल समझ में आएगा, चार पांच मंगवा लो सैंपल, आप भाई हमें ये सैंपल दे दो, अगर हमें समझ में आएगा तो हम आपके यहाँ से ये सामान ऑर्डर कर देंगे इतने क्वांटिटी में, ठीक है। आप दवा में ही ले लीजिए, दवा में आप जब लेने जाते हैं, मतलब कि दवा जब सॉरी जब मार्केटिंग का पर्सन किसी डॉक्टर के यहाँ जाता है, तो सबसे पहले अपना सैंपल देता है, जो कंपनी का उसका सैंपल आया रहता है, ठीक है, वो देता है डॉक्टर को यूज करने के लिए, ताकि जब वो डॉक्टर किसी पेशेंट को वो दवा देता है, और अगर वो दवा काम कर जाती है, पेशेंट आके कहता है कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब मुझे ये दवा काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर काफी कन्विंस्ड होता है, और फिर जो एमआर है, जो मार्केटिंग का पर्सन है, उसको और ज्यादा ऑर्डर देता है उस दवा के लिए, ठीक है, उस ब्रांड के दवा के लिए। तो एक तरह से ये क्या हो गया, बाई सैंपल मेथड, मतलब कि हम सबसे पहले सैंपल देते हैं। ठीक है, अभी और भी मेथड्स हैं, ये मैंने दो बताया है, जगह है नहीं ना, तो फिर बिता देते हैं, तब फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट थर्ड है बाय डिस्क्रिप्शन, बाय डिस्क्रिप्शन इट रिफर्स टू परचेजेस ऑफ गुड्स
मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इन द कैटलॉग और प्राइस लिस्ट ऑफ द सप्लायर। ठीक है, सप्लायर, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में क्या करते हो, सबसे पहले जाते हो, देखते हो कि हाँ ये खाने पीने का आइटम है, ठीक है, ये अच्छा, इसमें ये है, इसमें ये है, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें दी रहती हैं। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है, आप नॉन वेज खाते हो, वेज खाते हो, उस हिसाब से आप क्या करते हो, उसको तुरंत कैटेगराइज करते हो कि नहीं हमें वेज वाले में जाना है, और वेज में फिर आप देखते हो कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये हमारे पसंद की चीज़ें हैं, आप फिर उसे ऑप्ट करके आप उसका ऑर्डर देते हो। ठीक है, तो बाय डिस्क्रिप्शन मतलब कैटलॉग जारी किया जाता है, किसी कोई भी जब सप्लायर अपना सामान बेचता है तो उसका एक कैटलॉग बना लेता है। ठीक है, मतलब अगर अब हर किसी को हर चीज़ बताने लगेगा, वेटर नहीं ना है वो कि हाँ उसके जबान पर रटा रहेगा हर चीज़ की, हाँ ये लाइन सब बोलते चला जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन मतलब कैटलॉग के द्वारा वो अपना जो भी चीज़ें हैं अपने दुकान की या फिर अपने सामान की जो भी चीज़ें हैं वो बता देता है। जैसे अमेजोन पे आप जब जाते हैं तो वहाँ क्या रहता है कि सारा डिस्क्रिप्शन पहले से उस ऑब्जेक्ट के बारे में दिया रहता है। आप अमेजोन के कॉल सेंटर या कस्टमर केयर से तो फ़ोन करके पूछते नहीं हैं कि हाँ सर मैं ये देख रहा था, इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए, सारी जो डिस्क्रिप्शन है उस कैटलॉग में, ठीक है, उसकी डिटेल सब कुछ वहाँ दिया रहता है, वहाँ से आप देख लेते हैं, सारी जानकारी आपको ए टू जेड मिल जाती है, तब आप उस सामान के बारे में ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, जो सप्लायर रहता है उसके प्राइस लिस्ट में या उसके कैटलॉग में सारी जानकारी दी गई रहती है। चौथा है बाय ग्रेड मेथड। देख लेते इसे भी। द गुड्स विच आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ग्रेडेड आर परचेज्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी सिंपली बाय मेंशनिंग देयर ग्रेड्स। ठीक है, एग्जाम्पल ISI मार्क, IP BP IP, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी मीन्स यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। द गुड्स आर स्टैंडर्ड, हाँ मतलब कि मैं बता रहा था कि जो ग्रेड मेथड में है उसमें क्या करते हैं कि जो भी स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं, मतलब कि जिसकी ग्रेडिंग की गई रहती है, जो ISI द्वारा, जो गवर्नमेंट द्वारा पहले से उसको निर्धारित किया गया था कि हाँ ये पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज हैं, वो चीज़ें खरी उतर रही हैं, जो भी उस मानकता है उस पर वो चीज़ें खरी उतर रही हैं, तो वो उन चीज़ों का भी स्टॉक हम ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से भी परचेजिंग की जाती है। जैसे अगर आप हेलमेट ही लेने जाते हैं तो आप क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले हेलमेट के पीछे उस पर ISI का मार्क हो, ढूंढते हैं ना। अगर उस पर किसी भी हेलमेट पे, लोकल हेलमेट आप लेने जाते हैं, अगर उस पर ISI का मार्क नहीं है तो आप उस हेलमेट को परचेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो चाहिए वो ISI मार्क वाला चाहिए। ठीक है, तो दुकानदार भी ISI मार्क वाला ही हेलमेट रखेगा क्योंकि उसकी सेल ज़्यादा है। ग्रेड विथ ISI मार्क, ठीक है, अगर दवा के कंडीशन में, ठीक है, ठीक है, IP BP और USP, दवा पे क्या होता है ये लिखा रहता है कि किस मानकता के द्वारा वो चीज बनाई गई है, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा बनाई गई है या फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया के द्वारा बनाई गई या फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के तहत वो चीजें बनाई गई हैं। ठीक है,
तो जैसा कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा अबाउट द रिटेल, ठीक है, शुरू से एक बार देखते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ते आए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ साइट, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि कहाँ 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 पे ऐसे जगह लेना चाहिए जहाँ पे वो फार्मेसी शॉप चल सके, भीड़ भाड़ इलाका हो, क्राउडेड हो, जहाँ पे लोग आराम से पहुँच सकें, गाड़ी खड़ी करने की जगह हो, बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि ट्रैफिक एरिया हो, एकदम भीड़ लगती हो, तो थोड़ा सा वेंटिलेटेड हो, ग्राहक आए अच्छे से, जो पेशेंट है वो काउंटर पे रहे, वेटिंग एरिया हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेआउट में भी मैंने बताया था कि लेआउट पूरी तरह से प्रॉपर इस तरह से होना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ एक प्रोफेशनल शॉप है, ठीक है। और उसमें जैसे अभी मैंने बताया ही कि कस्टमर के लिए अलग वो हो, वेटिंग एरिया अलग हो, ठीक है, रैक्स प्रॉपर हो, साफ सफाई हो, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट फिर मैंने उसके होलसेल और रिटेल का मैंने बताया था, डिज़ाइन बना के भी दिखाया था कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। रैक्स ज़्यादा से ज़्यादा होलसेल में होते हैं, ठीक है, रिटेल में कम से कम रैक्स रहते हैं। जो डिस्पेंसिंग एरिया है वो अलग होना चाहिए, ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट फिर हम आते हैं होलसेल के लीगल रिक्वायरमेंट्स। होलसेल के लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले तो जो पर्सन है उसे 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम डिप्लोमा इन फार्मेसी होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी जो अदर भी चीज़ें थी, जो डॉक्यूमेंटेशन में जो चीज़ें थी, वो था एफिडेविट ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन, एफिडेविट ऑफ द प्रोपराइटर और पार्टनरशिप डीड। उसके बाद क्या क्या चीज़ें थी, फोटो था, दुकान का नक्शा था, ठीक है, ये सब चीज़ें जो रिटेल में भी थी। रिटेल में भी क्या था, रिटेल में भी यही है कि दुकान का नक्शा हो, ठीक है, उसके बाद दुकान का ब्लूप्रिंट हो, उसके बाद शॉप का जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए फॉर रिटेल, होलसेल के लिए 165 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने बताया था। अगर स्क्वायर मीटर में देखा जाए तो 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए फॉर रिटेल एंड 15 स्क्वायर मीटर फॉर होलसेल, ठीक है। उसके बाद क्या मैंने बताया था आपको कि जो भी उस फार्मासिस्ट का चाहे जो प्रोपराइटर है उसका जो भी डिटेल है, मतलब कि रिगार्डिंग मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अबाउट द ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन से रिलेटेड जितने भी मार्कशीट हैं, उसकी डिग्री, फिर जब PCI से जब वो अप्रूव्ड हो जाता है, उसके द्वारा PCI द्वारा दिया गया उसको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका कॉपी, ग्रीन बुक भी एक दिया जाता है, छोटा सा बुक रहता है, ठीक है, उसमें उस पर्सन को दर्शाया गया रहता है कि हाँ इतने से इतने तक उसका जो लाइसेंस है, सॉरी जो रजिस्ट्रेशन है वो मान्य है, उसके बाद फिर उसे रिन्यूअल कराना पड़ेगा हर साल, मतलब कि हर साल सॉरी 5 साल पे उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रिन्यूअल कराना पड़ेगा। नेक्स्ट ये भी था कि हाँ बिजली का बिल भी लगता है, उसमें रेफ्रिजरेटर का बिल लगता है, कंप्यूटर का भी बिल लगता है, ठीक है, इन सब का भी बिल लगाना पड़ता है। इसके अलावा और कुछ था नहीं, मुझे और कुछ नहीं था, ठीक है। तो बाकी अब हम लोग कल आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे अबाउट द सेलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, कि जो सप्लायर जिन सामान हमें लेना है उनको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।